हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है ना, आज आगे का राइट ऑफ अ न्यू पार्टनर ही हमने पढ़ चुके थे। नए साझेदार के जो अधिकार होते हैं वो पढ़ लिए थे। अब मेन एडजस्टमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश पर प्रमुख समायोजन। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, न्यू एग्रीमेंट इज मेड, पार्टनरशिप फॉर्म ऑल्सो चेंज एंड सम एडजस्टमेंट बिकम नेसेसरी। दिस एडजस्टमेंट आर न्यू ए प्रॉब्लम ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए साझेदार के प्रवेश पर नया समझौता किया जाता है, साझेदारी संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है और कुछ समायोजन करना पड़ते हैं। पहली बात है, अगर आपके बिजनेस में एक नया पार्टनर आ रहा है तो आपको नया एग्रीमेंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, बहुत सारे एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है कि न्यू पार्टनर ऑफ एडजस्टमेंट में। ठीक है ना, कौन कौन से एडजस्टमेंट हमने करने पड़ेंगे ये दिएगा। पहला दिया है कंपटीशन ऑफ कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना। सबसे पहले एडजस्टमेंट है, सबसे पहला काम क्या होता है, नए पार्टनर जो आता है उसकी क्या करना है, हमें कैपिटल फिक्स करनी है, डिसाइड करनी है कितनी कैपिटल लेना है उसे। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ अ चेंज इन अ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। अब हमें क्या करना है, लाभ हानि विभाजन के अनुपात में परिवर्तन का समायोजन। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हैगा उसमें एडजस्टमेंट करना हैगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ख्याति का उपचार करना है कि गुडविल जो आएगी उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, वो सब चीज़ें इसमें होगी। एडजस्टमेंट ऑफ अ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म की संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन का समायोजन। अब हमें क्या करना है कि जब भी हमारे बिजनेस में, ठीक है ना, लाइक नया पार्टनर आया है तो अब हमें क्या करना है, हमारी जो असेट्स है लायबिलिटीज है उसको वापस से कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, उनका पुनर्मूल्यांकन करना है, क्यों लास्ट ईयर जो थी या फिर जो पहले थी वो हमें पता है, बट अब क्या है, अब क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, वापस से उसके सामने कैलकुलेट करनी है या फिर दिखानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया गया है एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, संचित लाभ, सामान्य संचित और संचित हानि का समायोजन करना। अब जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो लाभ हैगा, जो प्रॉफिट है अभी तक हमने बांटा नहीं हैगा, ठीक है ना, जनरल रिजर्व पड़ा है हमारे पास, जो चीज़ें रखी हुई है जो हमने अभी तक शेयर नहीं करी, बांटी नहीं, उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ डिसाइड होगी। एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट इज नेसेसरी, आवश्यकता अनुसार पूंजी खातों का समायोजन करना। अब हमें जरूरत पड़ने पर कैपिटल अकाउंट जो हमने सेकेंड नंबर के चैप्टर में बनाया था उसको क्या करना है, यहाँ पर एडजस्ट करना है। गारंटी ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट टू द न्यू पार्टनर, अब हमें क्या देना है, नए साझेदार को लाभ की गारंटी देना है, जो भी हमारा नया पार्टनर आएगा उसको क्या देना है, प्रॉफिट की गारंटी देना है कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट हम देंगे या फिर इतना अमाउंट हम आप तक पहुंचाएंगे या फिर इस परसेंट से देंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट दिया है, ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। अब कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए साझेदार की पूंजी। As already discussed, a new partner is supposed to invest some amount of capital in the business as per the agreement. This capital can be brought in case of in kind or in both, depending on the situation entries are made us under. जैसा कि पूर्व में आप जान चुके हैं कि नए साझेदार को व्यापार की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने के लिए आपसे समझौते के अनुसार पूंजी की रकम लानी होती है। पूंजी की राशि साझेदार द्वारा नगद धन या संपत्ति के रूप में अथवा मिश्रित स्वरूप में प्रदान की जा सकती है। इस संबंध में परिस्थिति के अनुसार अग्रलिखित प्रविष्टि की जाती है। अब जो कैपिटल लाता है पार्टनर, ठीक है ना, जो भी हमारा एग्रीमेंट बनेगा उसको उस हिसाब से क्या लानी पड़ेगी, पूंजी लानी पड़ेगी। पूंजी कैपिटल या तो कैश हो सकती है या फिर कोई संपत्ति असेट्स भी हो सकती है या फिर दोनों मिला के भी ला सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें उससे 1,00,000 रुपये कैपिटल दे दी, तो 1,00,000 रुपये चाहे कैश दे दें या फिर 1,00,000 रुपये के गुड्स दे दें, असेट जो भी उसके पास संपत्ति वो दे दें, या फिर 50,000 की संपत्ति या 50,000 नगद दे दें, या फिर उसको जैसा उचित लगे वो हमारे पास दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस जगह में एक एंट्री बनानी पड़ती है। ठीक है ना, एंट्री हमें दी गई है, जब भी न्यू पार्टनर, ठीक है ना, एंट्री दी गई है,
जब भी आपको दिया हो कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर जब भी अगर बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है, ठीक है ना, तो ये एंट्री बनती है आपकी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई नया पार्टनर है, उससे हमने 1 लाख रुपए कैपिटल ले, तो टोटल कैपिटल हम 1 लाख उससे ले लिए, ठीक है। वो लेकर आया है, लेकिन कैसे लेकर आया है, 20,000 नगद दिया है, ठीक है ना, 30,000 रुपये के वो चेक लिया है, और बचे हुए 50,000 रुपए की वो असेट्स ले आया, हो गए 1 लाख रुपए, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पर बता, जरूरी नहीं है कि तीनों पॉइंट एक साथ में आए, ठीक है ना। एक ही असेट अगर पूरे पैसे को कैश लाएगा तो आपको ये दोनों पॉइंट हटाने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बैंक और असेट्स नहीं आए, ये वाले लाइन में आएंगे, सिर्फ कौन सा कैश अकाउंट डेबिट है डिपार्टमेंट, क्योंकि वो पूरे पैसे किस में लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है। अगर पूरे पैसे को बैंक से लेकर आए तो बैंक में डाल दो, अगर पूरे पैसे को असेट्स में लेकर आए तो असेट्स, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है, तीनों भी आ सकते हैं या दो भी आ सकते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आगे दिया है, sometimes a new partner is admitted in the firm by bringing his or her already continuing business. In this new partner, besides bringing assets, also brings liabilities. Assets are debited into and liabilities are credited. If the debit amount is more than credit side, then the difference is considered as capital. If capital is already given and debit side is short, then the difference is considered as cash. Following entry is made for it. अब क्या होता है कि नए साझेदार, कभी कभी नया साझेदार अपना स्वयं का पहले से ही जारी व्यापार लेकर फर्म में प्रवेश करता है। कभी कभी कोई नया पार्टनर लेते हैं तो वो अपना जो पुराना बिजनेस रहता है ना, उसी को पूरा के पूरा बिजनेस लेकर वो एंट्री लेता है, पार्टनर बनता है। ऐसे में वह अपने व्यापार की संपत्तियां तो लाता ही, परंतु उसके साथ साथ लाइबिलिटीज भी लेकर आता है, ठीक है। अपने साथ में वो अपनी असेट्स, दुकान, फर्नीचर, गुड्स, केस सब लेकर आ रहा है, ठीक है। बट साथ साथ में वो क्या लेकर आ रहा है, अपने जो पुराने उसके दायित्व होंगे, ठीक है ना, जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज है वो सब भी क्या लेकर आ रहा है, साथ में लेकर आ रहा है। संपत्ति को डेबिट करते हैं और दायित्व को क्या करते हैं, क्रेडिट किया जाता है, ठीक है ना। असेट्स को हमेशा डेबिट में लिखते हैं और लाइबिलिटीज को क्रेडिट में। अंतर की राशि डेबिट आधिक्य होने पर पूंजी मानी जाती है, ठीक है ना। जो भी अंतर आएगा इनके दोनों के बीच में, जो डिफरेंट आएगा उसे क्या माना जाएगा, कैपिटल अकाउंट। यदि पूंजी की राशि पूर्व निर्धारित है तो पूंजी की राशि कम पड़ने पर उतनी राशि से रोकड़ खाते को डेबिट किया जाता है। एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुमको, एंट्री देखते हैं। ये तो हो गई जब वो नया पार्टनर बिजनेस में सिर्फ कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है ना। बट अगर वो कैपिटल के रूप में, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो कैपिटल के रूप में अपना पुराना बिजनेस उठा के लेकर आ रहा है, तब एंट्री बनेगी सैलरी असेट्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी लायबिलिटीज टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये हो गई, ठीक है। सैंडरी असेट्स अकाउंट में भी, कैश अकाउंट में भी। अब यहाँ पर जो आंसर रहेगा ये रहेगा कैश वाला, ठीक है ना। वो कैसे रहेगा वो भी बताऊंगा। ये वाली एंट्री तो सिंपल है कि जो भी आपको लेकर आ रहा है उसके नाम से लिख दो, ठीक है। कोई चेंजेस हमें यहाँ पर नहीं करने। अब यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सन्ड्री असेट्स दी, जितनी भी असेट्स दी है सबको उसके नाम के साथ में अलग करना है, ठीक है ना। और सन्ड्री लायबिलिटीज यहाँ भी आपको क्या करना है, उसके नाम के साथ में इसको अलग अलग करना है। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल देखना है तो इलिप्स क्वेश्चन फर्स्ट निकाल लीजिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट।
एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया है, रानू एंड शानू आर डूइंग बिजनेस इन पार्टनरशिप। रानू और शानू दोनों पार्टनर रहेंगे बिजनेस। दे मेक मोनू एज अ न्यू पार्टनर। अब उसने क्या हैगा कि मोनू को नया पार्टनर बनाने की सोची। मोनूज कैपिटल इज डिटरमाइंड एज 1 लाख। मोनू की कैपिटल कितनी डिसाइड करी उन्होंने? 1 लाख रुपए। मोनू ब्रिंग फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन हिज बिजनेस। अब मोनू ने क्या करा है, अपने जो पुराना बिजनेस हैगा उससे वो असेट्स और लायबिलिटीज दोनों लेकर आया हैगा, ठीक है। तो बिल्डिंग मशीन फर्नीचर डेप्टर्स ऑन विच प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज बी मेड एट 10% क्रेडिटर बिल्स पेबल गिव अ जनरल एंट्री, ठीक है। असेट्स कौन कौन सी दी गई है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मैंने बोला आपसे कि जितनी भी असेट्स होगी सबको अलग अलग नाम से लिखना है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब लायबिलिटीज में दिया है हमें क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बिल्स पेबल फॉर टू। नया पार्टनर का नाम क्या है? मोनूज। तो मोनूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे सबके अमाउंट लिखते जाओ। बिल्डिंग का कितना दिया है क्वेश्चन में? 70,000। मशीनरी दी गई है 10,000। फर्नीचर 5,000। डेप्टर्स 20,000। ये तो हमारा कैसे का आंसर लेकर आना है हमें। फिर आगे दिया गया है क्रेडिट 12,000। बिल्स पेबल है 3,000। मोनूज कैपिटल कितनी डालनी है? उसको कैपिटल 1 लाख रुपए, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डेप्टर्स, ये वाला पॉइंट आपको डेप्टर्स के बाद दिया है कि जो डेप्टर्स 20,000 ऑन विच प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज मेड ऑन 10%। हमें डेप्टर्स का 10% क्या बनाना है? प्रोविजन। तो डेप्टर्स इतने 20,000 × 10 अकाउंट में होंगे, कितने बचे? 2,000। तो प्रोविजन कितने का बन गया हमारा? 2,000, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रोविजन निकलेगा। अब दोनों साइड का आप टोटल लगाओगे, ठीक है। दोनों साइड का हमें क्या करना है? टोटल लगाना है। इस साइड का लगाता हूं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 117,000। अब इस साइड का टोटल लगाता हूं 1,05,000। बट हमें चाहिए क्या? टोटल 1,17,000, ठीक है ना। तो यहाँ मैं क्या ले 1,17,000 में से अगर 5,000 माइनस करता हूँ तो 2,10,012,000 रुपये, ठीक है ना। ये आ गया मेरा आंसर आ गया। मुझे चाहिए क्या था? दोनों को बराबर करना था, तो मेरा आंसर जैसे हम बैलेंस से भी निकालते हैं वैसे ही क्या निकाला हमने? आंसर निकाला है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल है। आपको इसी बिहाफ पे आपका होमवर्क में दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यही कि यही सेम क्वेश्चन रहेगा आपका।
इंग्लिश मीडियम की बुक में है पेज नंबर 187। और हिंदी मीडियम की बुक में है पेज नंबर 212। जो आपको करके मुझे WhatsApp ग्रुप पे सेंड करना है, ठीक है ना। तो आज का ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट हम कल भी देंगे, ठीक है। थैंक यू।